हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग टीसीएस के इंपॉर्टेंट अपडेट्स को लेकर। ठीक है, तो मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि संडे था, तो मैं मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रहा था, बहुत लोगों ने मेल करा कि सर क्या हम लोग कल के दिन कुछ एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं फ्रॉम टीसीएस टीम, क्योंकि आपने बोला था कि अक्टूबर के फर्स्ट और सेकेंड वीक में कुछ अपडेट्स हम लोग पास देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। तो इस वीडियो में हम लोग उन्हीं चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे, वीडियो को आप लोग इन तक जरूर देखना गाइस। तो जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि सितंबर के ऑनबोर्डिंग कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोग नोटिस करोगे तो सितंबर का जो लास्ट डेट ज्वाइनिंग डेट था ऑलरेडी वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने चीज़ आपको बताया था कि टीसीएस नेक्स्ट बैच, जो भी नेक्स्ट बैच होगा, चाहे वो निंजा हो, चाहे डिजिटल, चाहे प्राइम, वट एवर, जो भी नेक्स्ट बैच होगा उनके ऑनबोर्डिंग ज्वाइनिंग जो भी रिमेनिंग अपडेट्स हैं वो तभी आपको देखने को मिलेंगे जब तक पिछले वाले बैच का कंप्लीट नहीं हो जाता। अभी देखोगे तो सितंबर का ऑनबोर्डिंग कंप्लीटेड, ओके, मतलब सितंबर का जितना भी पेंडिंग था, सितंबर जितने लोगों भी ऑनबोर्डिंग होना था सबका कंप्लीट हो चुका है। अक्टूबर एक फ्रेश स्टार्ट होगा, ठीक है। कल तो 30 है, 30 थे, ठीक है, कल 30 मंडे है, ठीक है, और 1 अक्टूबर, तो ठीक है 1 अक्टूबर से न्यू फ्रेश आपको अपडेट्स देखने को मिलेगा इस, क्योंकि दो डेट्स अभी रिलीज किए गए हैं अक्टूबर के मंथ में, 3rd और 17th अक्टूबर, और मे बी आप लोगों वो दो दिन आपको डेट्स देखने को नहीं मिलेंगे ज्वाइनिंग को लेकर, लेकिन हाँ ज्वाइनिंग लेटर आपको देखने को मिल सकते हैं। बट हाँ ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ज्वाइनिंग लेटर उन लोगों को देखने को मिलेगा जिनका आईपीए नहीं होने वाला, जैसे कि निंजा डिजिटल ये दो और एटलस, ये तीन चार लोगों जो लोग भी आईपीए के लिए एलिजिबल हो आप लोग को मोस्ट प्रॉबली ज्वाइनिंग आपको आईपीए एग्जाम के बाद ही देखने को मिलेगा ज़्यादातर चांसेस, क्योंकि आईपीए एग्जाम लॉन्च हो चुका है और आपको पता ही होगा अब आईपीए एग्जाम क्लियर करो मत करो, मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं, ऑफर रिवोक नहीं होता है वो अलग बात है, बट आईपीए एग्जाम देने के बाद ही ज्वाइनिंग लेटर टीसीएस रिलीज करती है। पहले डायरेक्टली रिलीज हो रहे थे विदाउट, बहुत सारे लोग ऐसे जिनका अक्टूबर 17 को ज्वाइनिंग है उन्होंने आईपी एग्जाम दिया ही नहीं था, बट हाँ उनका एग्जाम 7th नवंबर को है, बट वो दे भी सकता है नहीं भी देख सकता, तो जो उनके पास पहले भी ज्वाइनिंग आ चुका है विदाउट गिविंग द आईपी असेसमेंट दे ऑलरेडी गॉट द ज्वाइनिंग बिकॉज पहले विदाउट, देखो अब देखोगे तो आईपी से पहले आई थिंक लॉन्च किया गया था अप्रैल में कोई डेट में आईपी था, ठीक है, मार्च अप्रैल में एग्जाम था, डायरेक्ट अभी लॉन्च किया गया है नवंबर में, करेक्ट, क्योंकि टीचर्स भी देख रही है ये चीज को लेकर, टीचर्स नोटिस करा है जितने लोग भी रिसेंटली कैंडिडेट्स ऑन बोर्ड हो रहे हैं उनके पास स्किल्स नॉलेज बहुत कम है, बहुत सारे लोग कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं बट दे डोंट नो द प्रोसेस ऑफ द टेक्निकल स्किल्स, जो भी उनको काम मिल रहा है अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, तो एक्सप्लोरर इसीलिए आप लोग लॉन्च किया गया था कि आप लोग अपने नॉलेज को बढ़ाओगे, फाउंडेशन स्किल्स को इंक्रीज करोगे, बूस्टअप करोगे, करेक्ट, सो दैट जब भी आपका आईपी एग्जाम होगा उसमें आप लोग क्लियर करोगे तो आपको प्रीफरेंस मिलेगा आईएलपी में स्मूथ ऑनबोर्डिंग को लेकर। आप लोग जो भी मेल आपके पास आया आपको पता है उसमें मेंशन भी किया गया है कि इफ़ यू क्लियर योर आईपी असेसमेंट योर आईएलपी शेड्यूल्ड आईपी इज गोइंग टू बी स्मूथ, करेक्ट, मतलब इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम। एक्सप्लोरर और आईएलपी को मैच मत करना, दोनों डिफरेंट है, एक्सप्लोरर आपका आईपी एग्जाम के लिए होता है, आप बिना पढ़े भी एक्सप्लोरर का एग्जाम, बिना पढ़े भी आईपी एग्जाम दे सकते हो, लेकिन कोर्स, लेकिन आपके पास वो एक आता ना मेल कि आपका रिपोर्ट मेल आता है तो कंप्लीट कर लेना। कंपनी ज्वाइन करने के बाद आपका आईएलपी का ट्रेनिंग भी होता है गाइस, आईएलपी ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करना पड़ता है, नहीं करोगे तो आपको टीसीएस कंपनी आपको प्रोजेक्ट एलोकेट नहीं करेगी। आरपी एग्जाम होता है, इसको नहीं पता बता दूं, प्रोजेक्ट रेडीनेस असेसमेंट, वो आपको देना पड़ता है। अगर आप लोग आईपी एग्जाम देते हो 80+ स्कोर हो जाता है तो आफ्टर ज्वाइनिंग द कंपनी आपको आरपी देने का जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है। आप लोग आरपी तभी दोगे जब आप लोग आईपी एग्जाम क्लियर नहीं करोगे या फिर आपका स्कोर अच्छा नहीं रहा तो आपको आरपी एग्जाम देना पड़ेगा फॉर गेटिंग योर प्रोजेक्ट एलोकेशन। तो ये तो अलग टॉपिक है, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर टीचर्स को लेकर, मेरे पास मुझे बहुत कुछ पता है टीचर्स को लेकर, ठीक है, क्योंकि मैं पिछले 4-5 साल से इस पर ही वीडियो बना रहा हूँ, तो वो भी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डोंट वरी, ठीक है। तो फिलहाल टुमारो आप लोग यस डेफिनेटली मंडे ऑनवर्ड्स आप लोग कुछ ना कुछ अपडेट्स का वेट कर सकते हो, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन आएंगे, जिस फेज का रिजल्ट आएगा, जिस डेट का रिजल्ट आएगा, मैं आपको इंस्टेंट अपडेट कर दूंगा, चाहे वो ऑफर हो, चाहे एक्सप्लोरर मेल हो, रेडीनेस सर्वे मेल हो, या फिर ज्वाइनिंग लेटर, फिर ऑनबोर्डिंग अपडेट हो, मैं आपको डेफिनेटली इंस्टेंट अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग जो है मेरे चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, लेकिन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, मैं वीडियो को प्रीमियर में अपलोड करूंगा ताकि सभी के पास नोटिफिकेशन जा पाए। आप लोग कमेंट करना पास नोटिफिकेशन जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है। एंड अक्टूबर 1st और 2nd वीक वी गेट सम बिग अपडेट फ्रॉम टीसीएस, डेफिनेटली आपके पास अपडेट्स आएगा, और प्लीज़ आप लोग ईमेल को चेक करना, पोर्टल को चेक करना, जंक फोल्डर को चेक करना, और प्लीज़ अपने फोन पर भी एक्टिव रहना, क्योंकि बहुत सारे एचआर कॉल वगैरह भी कर रहे हैं कि आप रिजेक्ट हो चुके हो टीसीएस इंटरव्यू में, तो ऐसा भी बहुत सारे लोगों को फोन कॉल आए हैं फ्रॉम टीसीएस टीम, तो प्लीज़ ट्राई टू बी एक्टिव। जो भी जिसी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, जहाँ तक कंप्लीट हो रहा वहीं तक कंप्लीट करो, दैट्स इट, ठीक है। बाकी आपका ऑफर लेटर जनरेट होगा तो आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, यूनिटर जनरेट हो जाएगा तो आप लोग अपना एनएसआरआई टिपिन को जनरेट कर लेना, मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है, कुछ इस तरह आपका पोर्टल में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, आप लोग इस कम्युनिटी को ज्वाइन हो जाना, यहीं पर आपको जो है आपको आईपी असेसमेंट का सर्वे मेल देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ भी आप लोग देखोगे तो मेंशन किया गया जो मैंने बताया ना, विजस्ट देखिए फ्रेंड आपका
अटेम्प्टिंग एंड सिक्योरिंग अ गुड स्कोर इन टीचर्स एक्सप्लोर प्रोसेसमेंट इज मैंडेटरी फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एक्सप्लोर प्रोग्राम एंड दिस इज ऑल्सो प्रीरिक्विजिट ऑफ योर स्मूथ आईएलपी, है ना। तो यहाँ पर आप लोग ये चीज समझ सकते हो, ठीक है। आपको तीन लोकेशन देना टेस्ट का, और यहाँ पर आपका फिर सर्वे लिंक देखने को मिलेगा, आपको वैसे इसको फॉर्म को फिलअप करना है, सर्वे लिंक को आपको फिलअप करना है, करेक्ट। और यहाँ पर आपका यहाँ पर देखेंगे सोवेन सिटी ऑफ इंडिया बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये रिजेक्शन स्टेटस है, ये इंटरव्यू का नहीं क्लियर करोगे तो आपको रिजेक्शन मेल देखने को मिलेगा, आपका पोर्टल पर रिजेक्शन का अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ दिखा दूँ, ठीक है, प्रोफाइल पेंडिंग का मेल आएगा, अगर आपका प्रोफाइल फिर से वो क्रिएट करने के लिए बोलेंगे तो वो करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपका जावा का कुछ कोर्सेज वगैरह भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए निंजा डिजिटल पेगा एंड टीचर्स एटलस, ये सारे लोग ही टीचर से आई पी एस असेसमेंट के लिए एलिजिबल है, बाकी आप लोग जो भी बी पी एस स्मार्ट हो आप लोग एलिजिबल नहीं हो, डोंट वरी, आपका ज्वाइनिंग पहले भी देखने को मिल सकता है। इसलिए मैंने बताया ना कि अक्टूबर नवंबर में ज्वाइनिंग डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको इंप्रूव अकॉर्डिंग स्किल्स एंड वेल मेक यू टू एल पी रेडी, तो आप लोग बिल्कुल भी इसको हल्के मत लेना गाइस, ठीक है। बाकी आपका एक्सपीरियंस नंबर होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई डिफरेंस देख चुकी हूँ, वंस यू कंप्लीट पीजीसी आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन शो करेगा, ठीक है। तो देखो कल के दिन डेफिनेट आपको अपडेट देखने को मिलेगा, सो कोई भी डाउट मुझे पूछे ना, मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।